दोस्तों पूरी लाइफ इंश्योरेंस मार्केट सिर्फ दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, नंबर एक प्रोटेक्शन एंड नंबर दो सेविंग। मतलब प्रोटेक्शन मींस जब कस्टमर को क्लेम आया तो क्या कंपनी ने पैसे दिए या नहीं दिए, और सेविंग मतलब कस्टमर को कंपनी ने कितने पैसे वापस किए जो उसने सेविंग करी थी। अगर ये दोनों चीजें हटा दी जाए इंश्योरेंस बिजनेस से, सेविंग एंड प्रोटेक्शन, तो दोस्तों पूरी लाइफ इंश्योरेंस का जो फ्यूचर है, इनफैक्ट इंश्योरेंस मार्केट का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा अगर ये दोनों बातें हट जाए तो। तो दोस्तों अब बात समझने वाली ये है कि जो प्रोटेक्शन वाली बात है जिसको बोलते हैं क्लेम सेटलमेंट, ये क्यों इतना जरूरी है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा, नंबर एक बात, क्लेम लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है, और फिर दोस्तों मैं आपको दूंगा आंकड़े, ये आंकड़े दूंगा आपको 2024 का पूरा क्लेम सेटलमेंट का रेशियो एंड डेटा। क्यों, अगर आप इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, एक एडवाइजर हैं, इसमें काम करते हैं, कस्टमर भी हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में दोस्तों एक होता है मैं अपने बारे में क्या बोलता हूं और एक है कि असलियत क्या है। तो कोई भी बीमा कंपनी कुछ भी बोलती रहे, लेकिन जब क्लेम आएगा तो कंपनी का ब्लूप्रिंट है जो आपको आज देने वाला हूं, और फिर बताऊंगा एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर या इंश्योरेंस प्रोफेशनल आपको क्लेम के बारे में कौन सी बातें पता होनी चाहिए ताकि आप इस इंडस्ट्री में एक प्रोफेशनल इनकम हासिल कर सकें और जिस पर्पस से आपने इसको ज्वाइन किया पूरा हो सके। तो दोस्तों अगर आप पहली बार आए, थैंक यू वेरी मच, माय नेम इज रवि सिजाना, फाउंडर ऑफ 4-2-4 सिस्टम, और दोस्तों मेरा एक मिशन है अगले इंडिया में अगले 5 साल में 100,000 लोगों के जीवन को परिवर्तन करना है, उनको MDRT क्रिएट करना है, और ताकि वो फाइनेंशियल फ्रीडम से अपने बिजनेस को और अपनी लाइफ को एक फ्री माइंडसेट से फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय कर सके। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को आप आराम से देखें, हो सकता है कुछ आप नोट्स भी लीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर शेयर करें, कमेंट्स करें कि इसमें क्या अच्छा लगा, और अगर ना भी अच्छा लगे तो जरूर बताइए मुझे किस तरह की इंप्रूवमेंट करना चाहिए, क्योंकि आपके दोस्तों फीडबैक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। लेट्स शुरू करते हैं, पहली बात करते हैं कि आखिरकार क्लेम शब्द का इतना महत्व तो क्यों है इस बीमा इंडस्ट्री के अंदर। तो दोस्तों देसी भाषा में समझिए, क्योंकि मेरा स्टाइल बहुत स्ट्रेट है। किसी भी बिजनेस में दो बातें होती हैं, सिर्फ दो बातें होती हैं, एक प्रॉमिस, नंबर एक प्रॉमिस, और नंबर दो डिलीवरी। क्या मतलब है प्रॉमिस? मतलब जब मैंने अपने सामान को मार्केट में बेचा, जब मैंने अपने सामान की मार्केट में मार्केटिंग करी और कस्टमर से वादे किए कि मेरा प्रोडक्ट ऐसा है, ये है, ये है, ये है, और अगर ये होगा तो ये मिलेगा, ये है प्रॉमिस। ये चुनावी भाषा वाला प्रॉमिस नहीं है, चुनावी भाषा प्रॉमिस। और दूसरा है डिलीवरी, कि जब उसकी जरूरत पड़ी और जब कस्टमर ने उसको वापस क्लेम किया तो क्या उसको मिला कि नहीं। मतलब क्या है, जो कहा गया था वो प्रॉमिस और जो डिलीवर किया गया वो है डिलीवरी। तो एग्जांपल आप कोई बिजनेस उठा लीजिए, मान लीजिए एक गाड़ी है, कोई कंपनी कार बनाती है, जब उसको सेल्समैन बेचता है तो बोलता है सर इसका एवरेज 15 किलोमीटर पर आवर आएगा, इसकी सर्विस ये है, इसकी मेंटेनेंस ये है, ये फीचर वो फीचर, वो सब ठीक है। जब वो कस्टमर उसको इस्तेमाल करेगा तब पता चलेगा कि जो प्रॉमिस किया गया था वो हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों सेम चीज ऐसे ही अप्लाई होती है बीमा के बिजनेस में। कस्टमर को जब आप पॉलिसी एडवाइस करते हैं, सेल करते हैं, तो उसको प्रॉमिस किया जाता है सर आपके ये पैसा मिलेगा, इस टाइम में मिलेगा, और अगर कुछ हो गया तो इतना पैसा आपके परिवार को मिलेगा, ये हो गया प्रॉमिस। अब अगर वाकई अगर क्लेम आ गया, कस्टमर के साथ कोई दुर्घटना हो गई और उसके बीच में पैसा उसके परिवार को लेना पड़ा, दैट्स कॉल्ड डिलीवरी, दैट्स कॉल्ड क्लेम। और अगर जो कस्टमर के परिवार को प्रॉमिस किया गया था कि इतना पैसा मिलेगा उस कंडीशन में, और अगर नहीं मिलता है तो दोस्तों इसी से पूरी मार्केट बदनाम होती है, इसको बोलते हैं क्लेम रिजेक्टेड। और सिर्फ ये केवल लोगों को पॉलिसी देने का दोस्तों काम नहीं है, सोचिए इसके बारे में गहराई से कि किसी ने अपने परिवार का हिस्सा, एक बहुत महत्वपूर्ण पर्सन खो दिया जो पैसे कमाने वाला था, और उसके परिवार को अगर पैसा नहीं मिलता है तो क्या कंडीशन होती है उस परिवार की, आप सोच सकते हैं। तो इसको दोस्तों बोलते हैं क्लेम मिला उसको। तो दिस दो बातें हैं, क्लेम सेटल्ड एंड क्लेम रिजेक्टेड। अगर कस्टमर के क्लेम आया और कंपनी ने उसको पैसा दे दिया तो क्लेम हो गया सेटल्ड, अगर कंपनी ने क्लेम लेने से मना कर दिया तो क्लेम हो गया
रिजेक्ट। बस दो बातें हैं, बातें बहुत सारी हैं, बट मैं वही बता रहा हूं आपको जो आपने काम की है। ओके, सो अब इसलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है क्लेम शब्द का मतलब, क्योंकि क्लेम सेटलमेंट अगर है तो दोस्तों इंडस्ट्री चल रही है। अगर क्लेम नहीं मिलेगा कस्टमर को तो लोग विश्वास उठ जाएगा और इंडस्ट्री धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अच्छी खबर यह है कि इंश्योरेंस मार्केट में क्लेम सेटलमेंट रेशियो डे बाय डे बढ़ रहा है, आईआरडी का बहुत अच्छा इसमें रोल है, और ये खबर सबके लिए अच्छी है, कस्टमर के लिए, एजेंट के लिए और इंश्योरेंस कंपनी के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं, ये जो मैं आंकड़े बताने वाला हूं बहुत ही पावरफुल पॉइंट में आपको समझा दूंगा देसी भाषा में, ये आंकड़े बहुत जरूरी है और आप इसके नोट्स भी ले सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर इसके पहले अगर आप सीरियसली इस बिजनेस में कुछ करना चाहते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि 17 मार्च को शाम को 8 बजे अगर आप तीन बातें जानना चाहते हैं, नंबर एक इस बिजनेस की शुरुआत सबसे बेहतरीन तरीके से कैसे करते हैं, नंबर दो 1 लाख पर मंथ कमाने का रोड मैप क्या है, नंबर थ्री कैसे फोन कॉल की लीड बना के प्रोसेस करते हैं, ये सब अगर सीखना चाहते हैं आप पार्ट टाइम या फुल टाइम कहीं भी रहते हैं तो फिर मैं एक जो वर्कशॉप कर रहा हूँ MDRT सुपरस्टार एजेंट वर्कशॉप, उसका नीचे लिंक दिया है, क्लिक कर सकते हैं और क्लिक करके आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं और 17 मार्च को 8 बजे शाम को आपको मैं लाइव आऊंगा, इस लाइव ट्रेनिंग मैं सिखाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों अब बात करते हैं, ये मैंने कुछ आंकड़े लिए हैं, ये है मैंने छह कंपनी टॉप कंपनियां हैं, ये नंबर ऑफ क्लेम जो आए हैं कंपनी में, ये है पेड रेशियो कितने परसेंट कंपनी क्लेम दिया है और ये है अमाउंट। तो दोस्तों सबसे पहले LIC है नंबर एक पे, LIC के ऊपर दोस्तों 9,22,000 क्लेम, ये 2024 का डेटा है। ठीक है, 9,22,000 मतलब क्या हुआ, 2024 मतलब 2022-23 फाइनेंशियल का डेटा है। ठीक है, एक साल पहले का, तो 9,22,000 दोस्तों क्लेम रजिस्टर हुए हैं। यहीं पे दोस्तों SBI के पास 36,986, मैक्स लाइफ 1,96,000, मैक्स लाइफ 19,000 क्लेम, HDFC लाइफ 17,000, बजाज 15,000 और ICICI 14,000, ये क्लेम रजिस्टर हुए, इतने लोगों ने कंपनी की पॉलिसी को क्लेम आया। अब ये दोस्तों आंकड़े हैं जो कंपनी ने क्लेम दिया, LIC से दोस्तों 98.52% क्लेम रिसीव किया, SBI लाइफ ने 97.5, मैक्स लाइफ ने 19.9 मतलब 99.5% क्लेम रिसीव, HDFC लाइफ ने 19.39, बजाज ने 19.4 और ICICI 19.5, 95.28, ये दोस्तों रेशियो सेटलमेंट है। अब यहां पर समझने वाली बात दोस्तों ये भी है कि LIC के पास 9,22,000 क्लेम आए हैं, उसमें 98% स्कोर है, मैक्स लाइफ के पास में केवल 19,000 क्लेम आए हैं, उसमें स्कोर 19% है। तो नंबर ऑफ अगर पॉलिसी देखेंगे तो दोस्तों बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं अमाउंट के ऊपर, कितना पैसा देगा दोस्तों। LIC ने 18,397 करोड़ का प्रीमियम मतलब क्लेम अमाउंट दिया है, वो पैसा कि जिन्होंने कंपनी के ऊपर क्लेम किया और LIC ने ये पैसा दोस्तों क्लेम के रूप में पैसा दिया है 18,397 करोड़। ठीक है, दूसरा दोस्तों नंबर है आपका ICICI पोटेंशियल का, ICICI ने दोस्तों ये 14,333 क्लेम सेटल करने के बाद में 1949 करोड़ का अमाउंट दोस्तों ये क्लेम सेटल किया, नंबर दो पे है। ठीक है, तीसरा दोस्तों नंबर है आपका SBI लाइफ का, 1676 करोड़ का पैसा पे किया क्लेम, और चौथा नंबर है आपका HDFC लाइफ का, और पांचवा नंबर है मैक्स लाइफ का, और छठवां नंबर है बजाज का। नाउ ये सब दोस्तों डेटा, अब इस डेटा से क्या पता चलता है, पता दोस्तों ये चलता है कि अगर टोटल जो नंबर क्लेम आए पूरी लाइफ इंश्योरेंस मार्केट में वो आए 10,77,124 क्लेम, टोटल नंबर ऑफ क्लेम आए 10,77,124 क्लेम आए, जिसमें अकेले LIC ने 9,12,000 क्लेम केवल LIC ने अकेले सेटल किए और बाकी प्राइवेट ने सब मिला के 1,54,000 क्लेम सेटल किए। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो LIC ने अकेले पूरी इंश्योरेंस मार्केट का 6 गुना क्लेम अकेले दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों जो LIC की बादशाहत है वो किताबों में नहीं है, वो एक्चुअली में रियलिटी में है, जो रियलिटी है वो बता रहा हूं। ठीक है, तो 6 गुना पूरी मार्केट का क्लेम अकेले देना ये बहुत बड़ी बात है, और इतने सारे क्लेम देने के बाद अगर 98.52 मतलब केवल 1.5% क्लेम रिजेक्ट हुए हैं,
ये दोस्तों बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और जो टोटल अमाउंट है 30,222 करोड़ का क्लेम पूरे साल में बटा है, डेथ क्लेम जो बात हो रही है, जिसमें दोस्तों एलआईसी ने अकेले 18,397 करोड़ एलआईसी ने अकेले दिए हैं और टोटल बाकी इंश्योरेंस कंपनी दिए 10,893 करोड़। मतलब अगेन करीबन दोगुना क्लेम अमाउंट एलआईसी ने दिया है। एक तरफ एलआईसी और एक तरफ पूरी इंश्योरेंस की जो कंपनियां हैं उनका दोस्तों क्लेम जो है वो ऑलमोस्ट डबल एलआईसी के लिए देती है। तो इसका दोस्तों मतलब क्या है, क्या इस आंकड़े का मतलब क्या है? आंकड़े मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं कि जो बाकी इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो पैसा नहीं दे रही हैं या जिसमें इसके नाम नहीं लिखे हैं। मैंने टॉप के निकाले, सबका अच्छा है, लगभग अगर देखोगे तो सारी इंश्योरेंस कंपनी की जो क्लेम रेशियो वो 90 से ऊपर ही आता है। इसके दो बातें हैं कि एलआईसी का जो मार्केट शेयर है वो बरकरार है और एलआईसी बहुत एफर्ट कर रही है अपने क्लेम को मेंटेन रखने के लिए और कस्टमर को सर्विस देने के लिए, राइट। और जो बाकी इंश्योरेंस कंपनियां हैं इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी एलआईसी से अपने मार्केट शेयर को छीनने के लिए, राइट, क्योंकि जो बात साथ है वो तो बरकरार है। अब सवाल ये है, ये तो हो गया डेटा, अब सवाल ये कि अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं या इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं तो आपको क्या पता होना चाहिए क्लेम के बारे में, क्या आपको नॉलेज होनी चाहिए? तीन बातें होता है। नंबर एक बात, आपको ये पता होना चाहिए अगर कस्टमर का क्लेम आ जाए, आप एक कस्टमर का क्लेम आ जाए तो उस क्लेम को कैसे प्रोसेस करवाना है, उसकी क्या प्रोसेस प्रक्रिया है, ए टू जेड आपको पता होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ आप अपने डेवलपमेंट ऑफिसर के भरोसे बैठे हैं या अपने मैनेजर के, नहीं, उनकी हेल्प लो, बट आपको पता होना चाहिए अगर आपको पैसा कमाना है बिजनेस में तो यू शुड नो अबाउट इट। दूसरा नंबर, अगर आपकी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने से मना कर दे तो भी आपको पता होना चाहिए कि क्लेम देने से मना किया है तो अगला स्टेप क्या लेना चाहिए, तभी तो आप कस्टमर के हक के लिए लड़ पाएंगे, राइट। और तीसरा, ये जो डेटा मैंने दिया है ये डेटा आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए कि मान लो अगर आप इफ यू आर कनेक्टेड विद एलआईसी तो पता होना चाहिए कि एलआईसी ने इस साल 18,397 करोड़ का क्लेम दिया है। अगर आप जुड़े एचडीएफसी लाइफ से तो पता होना चाहिए, मतलब ओवरऑल चार्ट आपके पास होना चाहिए ताकि आप कस्टमर को जब उसकी जरूरत पड़े तो बता सके। इससे आपकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि कस्टमर सोचेगा नहीं आपको जानकारी है और जिसको जानकारी है उसी की वैल्यू है मार्केट में। अगर जानकारी दोस्तों नहीं बढ़ाओगे तो फिर वो जो, मुझे कहना नहीं चाहिए बट कह देता हूं, जो झोला छाप एजेंट वाली जो टेंडेंसी बन गई है लोगों के दिमाग में एजेंट के लेके, उससे आपको दूर हटना है। और इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि आपको सही बात बताऊं, इंफॉर्मेशन शेयर करूं, बेसिक बात समझाइए, बट जरूरी है ये। अगर आपको डेटा चाहिए, मैंने कहां से निकाला है तो नीचे लिंक में, मेरे डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दिया है, वहां से जाके आप पढ़ सकते हैं और उसको अपने डेटा में बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर बताइए कैसा लगा, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। और जो मैं 17 मार्च को जो ट्रेनिंग कर रहा हूँ उसके नीचे लिंक दिया हुआ है, आप रजिस्टर कर सकते हैं और जरूर वो आपके लिए फायदेमंद होगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस।